बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव। हमारे पास ये सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ है। हमारे पास आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला है फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंट स्केयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इन टू टेंजेंट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। यहाँ जो बात काबिल गौर है, जो वर्ड जिसका पहला लफ्ज़ सी से स्टार्ट होता है उसका याद रखने का तरीका, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। देखिए कोटेंजेंट है, सी से स्टार्ट होगा, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव। इस तरह जैसे ये कोसीकेंट है, इसका पहला वर्ड भी सी से स्टार्ट हो रहा है, देखें इसका डेरिवेटिव भी क्या है? नेगेटिव है। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉज एक्स। इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स, कॉज का डेरिवेटिव माइनस है साइन एक्स। अब हम प्रूफ करते हैं। हाँ, मैंने ये सेकेंड थ्योरम का प्रूफ किया, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखें आप जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव हमेशा किसका लेते हैं? फंक्शन का। देखें डेरिवेटिव फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं और फंक्शन को हम वाई भी बोलते हैं। इसका मतलब कि मेरे पास फंक्शन क्या है? कॉज एक्स। तो हमने साबित करना है कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स है। तो मैंने लेट करके फंक्शन को मैंने ले लिया y के बराबर, y इज इक्वल टू कॉज एक्स। बाई डेफिनेशन अगर आपको याद हो डेफिनेशन, x का इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x, y का इंक्रीमेंट क्या था? y प्लस डेल्टा y। ये था स्टेप नंबर हमारे पास वन। स्टेप नंबर टू क्या था कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, और डेफिनेशन बाय डेरिवेटिव का स्टेप नंबर थ्री था टेकिंग डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो देखें हमारा क्या काम है, वाई का इंक्रीमेंट वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स में इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो वाई को आप उधर माइनस कर दें तो वाई की वैल्यू किसके बराबर है? कॉज एक्स के। तो आपने वाई की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी? कॉज एक्स। सामने लिखेंगे फ्राम इक्वेशन वन, आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कॉज अल्फ़ा प्लस, सिंपल लिख लेते हैं कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा, और अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा। देखें अगर साइन दरमियान में प्लस है और दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कॉज हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों कॉज आएंगे। टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू इन टू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू। अगर आपके पास दोनों कॉज हैं, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा, दरमियान में साइन है नेगेटिव का, तो दोनों साइन आएंगे नेगेटिव के साथ। टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू इन टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू। अगर आप गौर करें तो हमारे पास कौन सा है? सेकेंड फार्मूला बनता है। देखें दोनों कॉज हैं, दरमियान में क्या है? नेगेटिव। तो आपने बोला था कि जो बड़ा एंगल होगा उसको अल्फ़ा बोलेंगे, जो छोटा एंगल होगा उसको बीटा। देखें अल्फ़ा प्लस डेल्टा बड़ा है, इसको बोलें अल्फ़ा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एक्स को बोलें बीटा। ये अल्फ़ा एंगल है और ये बीटा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करें टू साइन अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ रिप्लेस करें एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू एक्स ओवर टू इन टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीटा माइनस एक्स ओवर टू। तो चेक कर लें, यही आंसर आया। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एक्स प्लस एक्स टू एक्स। तो मैंने लिखा टू एक्स प्लस डेल्टा, ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स ओवर टू। हमारे पास स्टेप नंबर टू क्या था? मैंने लिखा हुआ है, देखें स्टेप नंबर टू, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने डेल्टा एक्स डिवाइड करा, इधर भी डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। फिर आपने थ्योरम पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में,
सेकेंड ईयर एफ एस सी की बुक में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन। तो आपको याद हो हमने बताया था कि जो थीटा है वो रेडियन में हो, जितना साइन के साथ मल्टीपल हो उतना ही नीचे मल्टीपल हो, लिमिट क्या ज़ीरो, आंसर क्या आएगा वन। इसी तरह यहाँ देखें, ये उस वक्त फॉर्म अप्लाई करेंगे जब ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म होगी। देखें अगर मैं यहाँ डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ, यहाँ डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो अब देखें एंगल सेम करने के लिए, यहाँ एंगल है डेल्टा एक्स ओवर टू, यहाँ नीचे मल्टीपल है डेल्टा एक्स, किसकी कमी है टू की, मैंने नेक्स्ट टाइम में टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और टू से डिवाइड भी कर दिया, ये टू इस टू को कैंसिल कर देगा। स्टेप नंबर हमारे पास थ्री है, टेकिंग डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड, मैंने लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और राइट साइड पे भी, मैंने क्या किया इसकी लिमिट को मैंने अलग कर दिया और इसकी लिमिट को मैंने अलग अप्लाई कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये किसके बराबर होगा वन के। देखिए लिमिट ज़ीरो है, फंक्शन साइन है, जितना साथ एंगल है नीचे सेम उतना ही मल्टीपल है। देखें ये थ्योरम था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स, देखें जितना साइन के साथ एंगल नीचे उतना मल्टीपल, लिमिट ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वन। यहाँ पुट करें डेल्टा एक्स ज़ीरो, ज़ीरो पुट करें टू एक्स ओवर टू, टू से टू कैंसिल, तो क्या आ गया साइन एक्स। लास्ट पे मैंने वाई की वैल्यू क्या पुट कर दी कॉस एक्स, तो इसका मतलब जो कॉस का डेरिवेटिव है वो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। ये माइनस भी साथ लिखना है अपने, माइनस 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 माइनस, इसका मतलब हमने साबित कर दिया कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस ये साथ आ रहा है, ये मैंने माइनस साथ लगा दिया, तो इसका मतलब जो वर्ड्स सी से स्टार्ट होगा उसका आप याद कर ले, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस होगा, इसका मतलब कॉस का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन एक्स। हमारे पास थर्ड प्रूफ है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेकंट स्क्वायर एक्स। देखें जितने भी हम प्रूफ करेंगे सारे बाय डेफिनेशन करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है टेंजेंट एक्स, मैंने उसको बराबर सपोज कर लिया वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, बाय डेफिनेशन एक्स का इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई का इंक्रीमेंट वाई प्लस डेल्टा वाई। देखें वाई की जगह पे वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या करेंगे वाई को उधर नेगेटिव का माइनस कर दें, वाई की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी टेंजेंट एक्स, तो फ्रॉम इक्वेशन वन। तो आप देखें आपने पढ़ा हुआ कि टेंजेंट एक्स बराबर होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो मैंने टेंजेंट को लिख दिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, टेंजेंट को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, मैंने इन दोनों का क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्या गया कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स। देखें कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू कॉस एक्स, अब कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू साइन एक्स। आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देखें अल्फ़ा हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीटा हमारे पास क्या है एक्स, तो क्या बनेगा फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो देखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, दोबारा एक्सपेंड करें तो वही आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब आप देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या आ गया साइन डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू कॉस एक्स, तो मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स से, देखिए डेल्टा एक्स भी आ गया और इधर भी क्या आ गया डेल्टा एक्स। तो आपने थ्योरम डिस्कस किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन, तो देखें हमने नेक्स्ट टाइम में क्या किया टेकिंग डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, इसको मैंने इतने फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी और इस पे मैंने लिमिट अलग अप्लाई कर दी। अब देखिए फंक्शन साइन है, जितना एंगल है नीचे उतना ही मल्टीपल है, तो लिमिट क्या है ज़ीरो। इस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका वन, और यहाँ पुट करें डेल्टा एक्स ज़ीरो तो क्या आ गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने पढ़ा हुआ है कि वन ओवर कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सीकंट एक्स, तो क्या आ गया सीकंट एक्स। लास्ट पे मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो वाई किसके बराबर है टेंजेंट एक्स। तो आपको अब याद होना चाहिए
क्या टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हमारे पास फाइव थ्योरम का प्रूफ है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स बराबर होता है सीकेंट एक्स इन टू टेंजेंट एक्स। तो देखें मैंने फंक्शनों को किसके बराबर सपोज कर दिया, वाई के। तो अब मैंने बाई डेफिनेशन एक्स का इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई में इंक्रीमेंट वाई प्लस डेल्टा वाई। तो देखें एक्स का इंक्रीमेंट एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स का इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई को मैंने उधर नेगेटिव कर दिया, वाई की वैल्यू फौरन आप पुट किया करें सीकेंट एक्स। तो आपने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल वन ओवर कॉज एक्स, वन ओवर कॉज एक्स और वन ओवर कॉज, इसका एलसीएम क्या आ गया, कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन टू कॉज एक्स, ये इसे कैंसिल, माइनस कॉज एक्स ये इसे कैंसिल, तो कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो नोट किया करें कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा, बड़ा एंगल अल्फ़ा है छोटा बीटा, जो बड़ा है इसके साथ किसका साइन आना चाहिए, पॉजिटिव का। देखें ये बड़ा है और ये छोटा है, इसके साथ क्या साइन आना चाहिए, पॉजिटिव का। तो मैंने नेगेटिव कॉमन काले, जब नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव कॉमन लें यह आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस सॉरी कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स। देखिए कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज, देखिए दोनों कॉज हैं दरमियान में नेगेटिव, कौन सा फार्मूला, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू इन टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू। देखें ये अल्फ़ा का काम कर रहा है और ये बीटा का, अल्फ़ा हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बीटा हमारे पास क्या है एक्स। पुट करें फार्मूले में यहाँ, माइनस टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बीटा की जगह पे एक्स ओवर टू इन टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर टू। देखें माइनस टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू इन टू, ये देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, साइन डेल्टा एक्स ओवर टू नीचे आ गया, कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर ओवर कॉज एक्स, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो टू साइन एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉज एक्स। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप नंबर टू है कि हम इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से। नेक्स्ट लिखें स्टेप नंबर टू, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, स्टेप नंबर टू डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यह आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू इन टू साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन टू कॉस एक्स इन टू डेल्टा एक्स। अगर आप क्लियर करें तो थ्योरम आपके पास था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन, जितना साइन के साथ मल्टीपल हो उतना ही नीचे मल्टीपल हो। तो देखें यहाँ डेल्टा एक्स ओवर टू है, तो क्या करें टू से मैंने डिवाइड भी कर दिया और ये मैंने टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये टू इस टू से कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप टेकिंग, जिसको आपने बोला था स्टेप नंबर थ्री, टेकिंग डेल्टा एक्स प्रो ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। तो लें लिमिट डेल्टा एक्स प्रो ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स प्रो ज़ीरो, इसको इतना फंक्शन को अलग कर लें और इसको इतने फंक्शन को अलग कर लें, तो साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन टू कॉज एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर डेल्टा एक्स ओवर टू। तो देखें ये किसके बराबर होगा वन के, जब आपने लिमिट अप्लाई की तो क्या बन गया डी वाई बटा डी एक्स, पोट करें डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो तो क्या आ गया साइन टू एक्स ओवर टू, यहाँ पोट करें डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो क्या बच गया कॉज एक्स इन टू कॉज एक्स, ये किसके बराबर आ गया वन के, टू से टू कैंसल, डी वाई ओवर डी एक्स ये हमारे पास आ गया साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इन टू कॉज एक्स, एक साइन को कॉज के साथ मिला दें और एक कॉज को आप लहदा लिख लें,
ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इंटू वन ओवर कॉज एक्स। तो नेक्स्ट आप देखेंगे ये हमारे पास होगा डी वाई ओवर डी एक्स साइन ओवर कॉज क्या होता है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स हमारे पास आएगा और वन ओवर कॉज एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स। तो लास्ट पे आप वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें, वाई हमारे पास क्या था सीकेंट एक्स। तो देखें हमने प्रूव कर दिया कि जो सीकेंट एक्स का डेरिवेट होता है वो होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ये आपने ज़ुबानी याद करेंगे फार्मूले।